नीति से प्रभावित होकर भाजपाइयों ने कांग्रेस का दामन थामा। गुरुवार को सेक्टर 5 भिलाई स्थित विधायक कार्यालय में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर और एमआईसी मेंबर लक्ष्मीपति राजू की मौजूदगी में खुर्सीपार क्षेत्र से लोगों का हुजूम कांग्रेस में शामिल हुआ। बता दें कि इसमें कई ऐसे बड़े चेहरे थे जो कि भाजपा और श्रीराम जन्मोत्सव समिति से जुड़े हुए थे। इससे खुर्सीपार क्षेत्र में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर ली है। बहुत सारे मजबूत जनाधार वाले साथी जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर पदस्थ थे, उसमें से कई साथी संगठन मंत्री, वार्ड अध्यक्ष, पूर्व पार्षद के प्रत्याशी, चुनाव प्रभारी, मंडल पूर्व अध्यक्ष, मंडल के महिला मोर्चा के अध्यक्ष, इस तरीके से बहुत सारी बड़ी संख्या में हमारे खुर्सीपार के वरिष्ठ नेता भोलू श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में लोगों ने ज्वाइन किया है। मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जो कांग्रेस परिवार में जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो पिछले 3 साल के काम हैं, जिस तरीके से जनता के बीच में उनकी सक्रियता है, उसको देखते हुए ये साथी आज कांग्रेस पार्टी की रीति नीति पे विश्वास करके आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से हम इन नए साथियों के साथ मिलकर और पूरी टीम के साथ मिलकर जनता की सेवा करते रहेंगे और भूपेश बघेल जी के बताए हुए पद चिन्हों पे, मार्गों पे हम लोग चलते रहेंगे। 2023 के चुनाव को देखते हो, कहीं इसकी तैयारी तो नहीं है जो लोगों को कांग्रेस? देखिए, ऐसा है कि तैयारी वो लोग करते हैं जो रेगुलर कनेक्टेड नहीं रहते हैं लोगों से। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तैयारी करते हैं चुनाव की, वो 6 महीने पहले आते हैं, 2 महीने पहले आते हैं, लेकिन हम हर रोज़ कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, हम खुद और सभी कार्यकर्ता निरंतर जनता के बीच में रहते हैं और ये तैयारी नहीं है, ये सेवा है। हम लगातार सेवा भाव में काम करते हैं और जो लोग इस सेवा भाव में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहते हैं, हम उन सबका स्वागत करते हैं। बीजेपी का कहना है, बंद चल रहा था, काफ़ी दिनों से ये सोच रहे थे कि हमको कौन सा बेटर ऑप्शन है, तो इनके पास बेटर ऑप्शन मिला है, कांग्रेस विधायक आदरणीय देवेंद्र यादव जी और हमारे मुख्यमंत्री जी। ये उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर ये कांग्रेस प्रवेश किए हैं, तो मैं इन सबको अपनी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं और इनको धन्यवाद देता हूं। सही है, मिशन 2023 की शुरुआत तो नहीं है, हम लोग निरंतर काम करते हैं, हम लोग अभी मिशन 3000 तक का काम कर रहे हैं। विपक्ष नहीं छोड़ेंगे तो काम कैसे करेंगे? विपक्ष को पूरा खत्म कर दिया आपने, विपक्ष नहीं बचा तो काम कैसे करेंगे? थोड़े बहुत हम लोग वहाँ छोड़ के रखे हैं जो। कितने लोगों ने कांग्रेस प्रवेश? अभी एग्जैक्ट आपको इसकी लिस्ट दे दी जाएगी, लेकिन काफ़ी सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर, एग्जैक्ट संख्या आपको अभी बता देंगे। हमारा मिलन साथ में थे हम भाजपा के, और शायद अभी हमारी विचारधारा अलग हो गई होगी ऐसा लगता है, इसलिए हम साथ छोड़ दिए हैं। हमारा विचारधारा यहाँ दुर्ग से है, भिलाई से है, भिलाई की जनता से है, और भिलाई में जो कार्य हो रहे हैं, जो विकास हो रहे हैं उससे है। किसी के घर में बंगले की चाकरी करने से विकास नहीं होता, क्षेत्र में उतर के काम करने से विकास होता है, और सिर्फ यही देख करके मैं देवेंद्र यादव जी के साथ जुड़ा हूँ। फेसबुक, ट्विटर, अन्य जो माध्यम है आपके, जी कैसे करेंगे उसको? माध्यम तो जैसा है कि जहाँ जैसन तहाँ तैसन, ना करे तो मरत कैसन, हमारी बिहारी में कहावत है, बस उसी के तहत चलेंगे, जिस जगह रहेंगे उसी के वहीं रहेंगे। पहले भी कांग्रेस में थे, तब भी कांग्रेस के गुण गाए थे, और इस प्रकार से मेरी प्रवेश नहीं है, ये मेरा घर वापसी है, और सीधी बात बोलूँगा मैं, घर वापसी है मेरी, कुछ सोच विचार के आया हूँ, है ना। संदीप शर्मा, क्यों तोड़े? बात भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ने की नहीं है, पिछले 25-30 सालों से हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे, और हमारे जो साथी आज हमारे साथ आए हैं, इसमें कई लोग 20 साल से, कई लोग 15 साल से काम कर रहे थे। युवा आज क्या चाहता है? युवा सिर्फ भविष्य देखना चाहता है अपना, और हर युवा को, आज कुर्सी पर का युवा हो, चाहे भिलाई का, चाहे छत्तीसगढ़ का युवा हो, हर युवा को माननीय हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी में अपना भविष्य दिखता है। सबको पता है कि आज अगर भविष्य बनाना है, और भविष्य को अगर भिलाई को कोई बनाएगा तो वो हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी है, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, और कांग्रेस पार्टी है जो इस छत्तीसगढ़ का विकास कर सकती है, इसलिए युवा आज इनके साथ है। मैं राकेश श्रीवास्तव, पूर्व में जिला मंत्री युवा मोर्चा का, जिले का जिला मंत्री रहा हूँ, जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ युवा मोर्चा का, कुर्सी पार का 2-3 बार प्रभारी रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का।
क्या 30 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़े रहे, कई उसमें विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपको नेता मिले, कई मंत्री मिले, है ना, क्या उनके कार्यों से आप खुश नहीं थे? नहीं, क्या ऐसी वजह थी कि जो देवेंद्र जी का आपको दमन थामना? 30 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी में हम जुड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे, तब भारतीय जनता पार्टी भी उस समय युवाओं के लिए सोचती थी, युवाओं के बारे में बात करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी अपने पद से ये हो चुकी है, मतलब झड़ गई है, वो विमुख हो चुकी है। आज उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करने से ठीक होगा और क्या करने से ठीक नहीं होगा।